Assalamualaikum. Welcome to another episode of the Mirza Malik Show, powered by Spotify. Let's welcome our guests, Muneeb Bhatt and Ayman Khan. कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताएं, खैरियत से? कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो बर्थडे आपकी वाइफ की हुई है, आपने कैसे सेलिब्रेट की? कैसे सेलिब्रेट की? तो क्या सरप्राइज दिया आपने? सरप्राइज ये था कि यही सरप्राइज था, कैसा? She was expecting के कुछ सरप्राइज होगा, नहीं लेकिन कुछ नहीं था। ऐसे मत बोलो, लोग फिर न्यूज़ बनाते हैं, ऐसे नहीं बोलो। वो तो अनप्रेडिक्टेबल रहना बहुत अच्छा होता है। हाँ नहीं, असल में वो इतनी दफा, अब शादी के 4 साल तो हो गए हमको शादी, तो उससे पहले भी 2 साल तक भी लोग पता है बर्थडे मनाते। लास्ट दिन इसकी बर्थडे थी, उसे एक रात पहले मुझे बता दिया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग, तो मुझे, मैं समझा व्हाट गुड न्यूज, यू एक्सपेक्टिंग, कांग्रेचुलेशंस, सरप्राइज बोलती नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग सम, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू समथिंग। मैं मनी वाज इन लाहौर, ही वाज नॉट इन कराची, एंड देन हम यहाँ आ गए आप लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो अच्छा, सो यू हैड अ फन टाइम एंड योर बर्थडे। जी हम गए एक रेस्टोरेंट में, नाम नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, ब्रांडिंग नहीं करनी। हमें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, हमने बहुत अच्छा खाना खाया। अब मुझे तो मुझे ऐसा फील हुआ लाइक अब बर्थडे की एक्साइटमेंट कम होना शुरू हो गया। हां, सो वी डिडंट वांट, बट यू आर ओनली 24, वेट टिल यू रीच 36 फिर बताते हैं कितना। एक्चुअली वाकई कम हो गई है, लास्ट ईयर तक वी वर वेरी एक्साइटेड। इस दफा तो मेरी मम्मा कह रही थी क्या प्लान है, लाइक मम्मा नो प्लान, व्हाट लाइक क्या कोई प्लान नहीं होने का, नहीं है इस दफा। लेकिन अब ऐसे हो जाता है ना, व्हेन वी हैव चिल्ड्रन वो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम, तो एक्साइटमेंट उनकी बर्थडे की ऑलमोस्ट ज्यादा हो जाती है खुद की बर्थडे। अमल ने तो हमारी बर्थडे इस तरह मनाई है कि वो सिर्फ हैप्पी बर्थडे मम्मा, नॉट मिनाल, शी कॉल्स मिनाल नाल, तो कहती नाल इट्स नॉट योर बर्थडे, इट्स जस्ट माय मामाज बर्थडे टुडे, तो वो जरा फन था। अच्छा बताएं आप, भी बहुत सीरियस क्वेश्चन है, आप कितने बार कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में? बहुत ही नया सवाल। काफी दफा हो चुके हैं। वो हमें बता रही थी मिनाल जी, उनका मियां ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो ये भी बता रही थी, नया ना अभी, इसलिए मैं बिल्कुल कंफ्यूज था। मेरे निशाने बहुत पक्के, मुझे पता होता है मेरी बीवी कौन सी है। मैं तो कभी शुरू शुरू में होता था, हो चुका है बीबी, अगर इतने बार पूछने के बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं इस बारे में। ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन खैर मुनीब इतना नहीं होता कंफ्यूज क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया साथ। एहसन बहुत कंफ्यूज होता, एहसन को नहीं पता। बट यू गाइस आल्सो साउंड सिमिलर, मतलब आपकी आवाज भी इज वेरी वेरी सिमिलर। फोन पे हम बात कर लेते हैं आराम से, हमारा तो आईफोन भी खुल जाता है एक दूसरे के चेहरे से यार, सच में लिटरली। मैं और मिनाल, मैं मिनाल का फोन अनलॉक कर लेती हूं, आई डोंट नो कैसे क्या आपका, बट इट हैपेंस। वाओ, अगर मैं होती तो मैं आपको करके दिखाती। जैसे आगे जाएंगे। नहीं ये बताएं इवन के यू ऑल्सो स्टार्टेड अ वेरी यंग एज, तो एंड यू आर ओनली 24, तो हाउ हैज द जर्नी बीन? डू यू फील लाइक यू आर, you've been in the industry for very long, aapko aise lagta hai ki nahi meri abhi shuruaat hai, or is that why you're taking a break? Actually aapne theek kaha ki humne bahut chote se hi hum kaam kare, to when I got married to phir uske baad mujhe itna zaruri nahi, I was like I need a break, aur phir jab meri beti hui I was like thoda sa aur break, but I'm enjoying because maine bahut kaam kiya, so uske baad this time I'm enjoying and having fun and it's good. So you're still, you're still wanting to come back? Yeah, you don't think about maybe, it right now? But not right now. Achha, you don't. No, she's very little, choti bhi hai, and drama mein ya kisi badi screen pe, koi movie mein. Anything, kuch bhi ho sakta hai, it could be a surprise. Yeah, true. Aapko kya lagta hai? Mujhe come back hoga. Ye Muneeb ke liye surprise hoga. I think it's a totally her decision, uski apna decision hai, wo jo bhi karna chahe. Hans kyun rahe aap mujhe? Bilkul nahi, unka chehra hi aisa hai. Ek serious muh se sunna na kisi ki baat. Aur ek hota hi hum. Ye sahi tha, sahi keh rahe ho. Yaar thoda serious expression to de meri baat pe. Ek second. Actually tough competition. Pata hai kya, hum actors nahi hai. Itna serious bhi mat le yaar. Main serious question puch लेता हूं आपसे मुनीब, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आपने प्ले किया आज तक? आज तक मैंने एक ड्रामे में प्ले किया था बांदी, एक उसमें मैं पुलिस वाला बना था, वो
बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर वो मैंने बहुत सिर्फ ड्रामे में बने ना घर तो नहीं बना जाता नहीं he wanted to be a cop अगर मुनीब को एक्टर नहीं बनना था तो मुनीब ने कहा था एक्टर अगर मैं नहीं होता तो मैं पुलिस वाला होता लेकिन अच्छे वाला होता वो नहीं वो सिग्नल वाला नहीं होता वो भी अच्छे होते हैं वो भी अच्छे होते हैं लेकिन जो कमीशनड ऑफिसर होता ना मैं फिर वो होता Do you think आप लोग की कोई ये दोनों से सवाल है आप लोग की लाइफ कोई चेंज हुई है after having a child या after marriage even ये हमसे भी पूछा जाता है कई बार के हो जाती है हो जाती चेंज है. हो जाती है जिंदगी बदलने के लिए तो शादी करता है इंसान एक्चुअली मेरी बहन इसमें वो है कहती मैं नहीं बच्चा अभी नहीं करना इसलिए ताकि मैंने सब देख लिया है तुम लोगों के साथ बिकॉज अमल इज वेरी अटैच्ड टू हर तो उसको लगता है कि इट्स लाइक इंस्टाग्राम का क्लिप आ गया नहीं नहीं कोई लाइफ चेंज हुई Definitely. पता नहीं क्या हुआ मुझे तो समझ नहीं आया शादी होते ही बेबी हो गया शादी भी नहीं एंजॉय की फिर बच्चा हो गया so, you know, But for the better. Yeah. For the better. अमल के साथ ही ये शिकायत है या नहीं नहीं I'm very thankful. Blessed अच्छा इधर ऑपोजिट है हाँ इधर ऑपोजिट है इस केस में पुरानी शादी है ना इसलिए थोड़ा सा पुरानी शादी नहीं होती चार साल चार दिन है मुझसे पूछे आप ये उल्टे जवाब है ये मियां क्या बोलेगा आज मैं बोलूंगी शादी गाड़ी की तरह होती है ड्राइवर अच्छे हो तो गाड़ी हमेशा नहीं रहती लिखो भाई ये बात आप दोनों में से घर को साफ कौन रखता है मैं बिल्कुल नहीं रखता अच्छा मैंने तो इस चीज पे बहुत वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई मुनीम को अंदर से आवाज आती है मुनीम डोंट डू दिस ओके मैन कितना मुझे इंपॉर्टेंट जो है वो गंद पसंद है गंद पसंद है मतलब ये कि थोड़ा गंदा रूम मुझे ज़्यादा पसंद है लाइक इट मेसी बड़ा इशू हुआ था इस बात में शादी के बाद मुझे नहीं पता था कि इसको इतना गंद पसंद है थोड़ा सा यू वर ओके विद तो ओके हो जाता है कि हम कभी ट्रैवल करते हैं अभी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं ना तो मेरा अगर बैग प्रॉपर सेट हुआ हुआ तो मुझे कपड़े नहीं मिलते अगर मेरा बैग यूं ही हुआ हुआ तो मुझे फौरन मिल जाता ये टी शर्ट चाहिए थी लेकिन आप दोनों में से ज्यादा सोशल कौन है सोशल मुझे तो दोनों ही लगते हैं बहुत सोशल सोशल हब मैम और सोशल मीडिया पे एक्टिव भी आप दोनों ही अभी आप बना रहे थे जस्ट बिफोर हम रोल कर रहे थे आपने हां मेरा एक YouTube चैनल है अच्छा आप YouTube चैनल भी चलाते हैं YouTube चैनल भी है जिस पे मैं अपडेट्स बट दैट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ना मेरी बहन भी YouTube चैनल चलाती है वो इट इज मतलब हाँ बिफोर शी स्टार्टेड मुझे अंदाजा नहीं था कि हाउ मच यू नो एफर्ट गोज इन इट क्योंकि आपको सो मेनी टाइम्स हम लोग कुछ करते होते हैं सडनली शी बोले मुझे याद दिलाना कि मुझे लेना है हाँ शॉर्ट लेना है मुझे याद दिलाना वो शाम खत्म हो जाती है तीन घंटे से आई डिडंट गेट एनी कॉन्टेंट टूडे तो इट इज एन एफर्ट है ना मेरा बहुत आसानी से बनता है कंटेंट क्योंकि मेरे कंटेंट में कोई भी चीज मेड अप नहीं होती और बाकी अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल सो सटल सो सटल अभी कर लेते हैं अभी इन्होंने दी है कि आप लोग फॉलो करें प्लीज आप दोनों में से इन लॉस के साथ ज्यादा कौन घुलता मिलता है दोनों ही मिलते दोनों ही घुल जाते हम बहुत इजी हैं हम हर किसी के साथ घुल मिल जाते हम गो विद द फ्लो पानी की तरह मेरे इन-लॉज में हम मिल जाते हैं हमारे मेरी मम्मा की तरफ दोनों मिलके मिल जाते हैं फाइन बॉल ये तो बहुत बहुत ही बहुत बहुत सोशल कपल है हमारे इस काउच पे इतना सोशल कपल नहीं आया अभी तक अभी आपको आप पता चलेगा दावत पे मैं कि आपको लगेगा हम आपके साथ ही हैं आप दावत पे नहीं आए आप हम आपके पास तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में हमें बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस नहीं इनको मेरा हाल थोड़ा सा ना तंग करना पड़ेगा थोड़ी सी कुछ गुगलियां फेंकनी पड़ेगी हाँ ये बहुत सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला सेगमेंट इसके साथ हम चलते हैं हमारी अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फंताक्षरी बिल्कुल सही यू गॉट अनदर 10 रन्स अच्छा ये है लास्ट क्लू उससे पहले मैं एक चीज बता दूं अगर आप ये सही गेस कर लेंगे मैं जीत जाऊंगी हाँ ओके ये क्या बात है <laughs>
आप देख रहे हैं द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई, जिसमें अब वक्त हुआ है फंताक्षरी का। और ये कैसे खेलेंगे सानिया आपको एक्सप्लेन करेंगे। फंताक्षरी बहुत इजी है, हम आपको क्यूज देंगे, बस आपको गाने गेस करने हैं, आपको बजर दबाना है, सही जवाब पे मिलेंगे 10 रन और गलत जवाब पे मिलेंगे -5। ओके गुड, जो पहले टैप करेगा वही आंसर देगा, ठीक है? टैप, रेडी गो। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ड्स, दिल बेचारा है। पहले हार्ट लव। हाय दिल बेचारा। That's so wrong. तेरे तुम्हारा तेरे पीछे हारा हारा। हाय दिल। Correct answer. Correct answer. Thank you. 10 runs goes to you, Muneeb. Okay, ध्यान से सुने। जुनून यार नहीं लगता दिल। यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। ढोल के साथ अच्छा था। नहीं लगदा, नहीं लगदा यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। बस चल नेक्स्ट क्लू, आर यू रेडी? आई एम वेरी एंग्री, मोर देन रेडी, आई एम एंग्री। चल नेक्स्ट क्लू, स्ट्रिंग्स का एक गाना जिसकी ट्रांसलेशन है दिस इज माय स्टोरी। ये है मेरी जवानी के गाने, मेरे बचपन के, मुझे याद नहीं है। जुलाएंगे, ये अलग गाना। ये 5 ने -5 आपको मिलेगा, क्योंकि आपने गाना गलत गाया है। आप जल्दी जल्दी के चक्कर में आप पटरी से उतर गए। ये गाना था ये है मेरी कहानी। ओके, कोई बात नहीं। और ये बहुत सारी फिल्मों में यूज़ जीतने वाले को बाजी करके। नेक्स्ट क्लू है, बहुत ध्यान से सुने, हदीका कियानी का वो गाना जिसमें वो पूछ रही हैं हमारे शौक की लिमिट क्या है। शौक इंतहा, इंतहा शौक। मुझे नहीं पता, मुझे उसका मेलोडी नहीं याद है। आप बट आपने टैप नहीं किया। इंतहाए शौक से आगे लिरिक्स नहीं यार, आप कोई मेरी भी, लेकिन गाना मैंने पहचान लिया। मेरे जमाने के गाने भी प्लीज लिखवाएं। ये गाने है बहुत फेमस सॉन्ग, इंतहाए शौक है, मुझे याद आ गया। बिल्कुल सही, यू गॉट अनदर 10 रन्स। अच्छा ये है लास्ट क्लू, ऐसे तो मैं पीएसएल उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर आप ये सही गेस कर लेंगे मैं जीत जाऊंगी। हाँ ओके, ये क्या बात है? -5 भी आए थे ना। आप पीछे कैलकुलेटर भी चलाएं अपना, जीत तो आप रहे हैं, हार भी रहे हैं। अच्छा सुने, नुसरत फतेह अली खान का फेमस सॉन्ग जिसमें सांसों की माला सिमरू में पी खाना। आगे जवाब मैंने ज्यादा और स्कोर उनको, क्या ये खुला तजाद है? और मासूमाना क्वेश्चन भी आएंगे। द विनर इज अनफॉर्चुनेटली मुनीब। इसके साथ ही स्पॉटिफाई की तरफ से आपको मिलेगा जीतने के लिए एक बहुत ही अच्छा हैम्पर, जो कि अब शोएब आपको देंगे, और वो है स्पॉटिफाई से। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं ला रहा हूँ। ले आइए, ले आइए। थैंक यू सो मच। इसको हाफ हाफ करिए, काफी हेवी है जीतने वाले को मिला है तो। एमन, आई थिंक कि अभी टाइम आ गया है कि आपकी स्पॉटिफाई लिस्ट में थोड़े से क्लासिकल और पुराने गाने अपडेट हो जाए। yes. ताकि नेक्स्ट टाइम हमें चीटिंग का सहारा नहीं लेना पड़े। क्या मुझे वाकई मुझे गाने याद होते हैं, बट मैं लिरिक्स नहीं याद कर पाती। मुझे ऐसे लग रहा है हमारी आपकी बहन से बात हो रही है, दोनों का सेम डायलॉग है, बोल के गई। मुझे याद नहीं होता, मैं सुनूंगी, याद करूंगी, कल भूल जाऊंगी। और अशआर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी के साथ द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई में खत्म होता है हमारा ये राउंड। फंताक्षरी का चलें पवेलियन की तरफ। अच्छा, व्हेन यू वांट टू फिट इनटू एन ओल्ड ड्रेस बट यू आर नॉट एबल टू,
उन्होंने किया है यू आर फैट You are watching the Mirza Malik show powered by Spotify only on Urdu Flix. अब हम खेलेंगे हमारा next segment जिसका नाम है Memeify. It is a social media based segment. इसमें दो चीजें होंगी. अच्छा पहले तो आप हमें बताएं आप लोग दोनों ही social media पे obviously बहुत active हैं. तो आप लोग social media पे कितना thought डालते हैं? Do you think के कुछ डालना है या आप ऐसे ही? No, we don't. Actually बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि क्या आप सोचते हैं? But no, we just share. Our happiness with the people they love, जो हमसे प्यार करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं बस ऐसे और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं 10-10 दिन तक भी कुछ पोस्ट नहीं करती तो मेरे फैन पेजेस के मैसेजेस आते हैं कि क्यों नहीं कर रहे वेयर आर यू ओके वो जगह जगह मैसेज करते हैं मेरी मम्मा को मेरी बहन को मतलब भाइयों को कि कहाँ हैं ये लोग तो वो मिस करते हैं वो तो उनका प्यार है तो अच्छा बताएं द लास्ट सेलिब्रिटी यू अनफॉलोड ऑन इंस्टाग्राम It could be my husband. No. जब हमने कोई फाइट की हो शायद तो अनफॉलोड है लड़ाई हुई तो अनफॉलो कर दिया आई डोंट बिलीव यू आई डोंट बिलीव यू फॉर 1 सेकंड बट ठीक है नो आई डिड लड़ाई हो तो मैं कहता हूँ मुझे फोन करना छोड़ दो बंदा मैंने कहा बीवी को लग रहा होता है कितना बड़ा मैं इनको पनिश कर रहा हूँ मैंने फोन नहीं कर रहा अनफॉलो किया मैं नाम से कहती आर यू स्टूपिड लोग तो तुम्हारी पता नहीं क्या क्या न्यूज़ बना देंगे लाइक नो मुझे गुस्सा आ गया था अच्छा एंड यू मुनीब मैंने हमेशा सबको फॉलो किया किसी को अनफॉलो नहीं किया सबसे ज्यादा मुझे लगता है हमारी अब ना दोस्तों में सबसे ज्यादा लोगों को मैंने ही फॉलो किया देखें जो आपने शुरुआत की थी शो की आप अभी बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हैं आपको बता रहा हूँ मैंने हर किसी को फॉलो किया है मतलब ये कि अगर कोई जैसे कोई आदमी आ गया आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिस जो आप चाहते हैं वो आपको फॉलो करे जो मैं चाहता हूँ मुझे फॉलो इंटरनेशनल भी हो सके यार किसको मैं चाहूंगा मुझे फॉलो करे रोनाल्डो का नाम ले लूं किसको कौन कोई एक्ट्रेस हो सकती है मारियानो डिवायो एक है वो उसको मैं बड़ा फॉलो करता हूं उसकी ड्रेसिंग और उसका वो सब चीज चाहता हूं एक्चुअली मनीम को इंस्टाग्राम का कुछ नहीं पता था जवाब दिया मैंने कुछ भी नहीं पता था ये सब कुछ मैंने इंट्रोड्यूस किया था मनीम की लाइफ में बिल्कुल बेशक बिल्कुल हमेशा ऐसे ही होता है हर हस्बैंड को हाँ में हाँ मिलानी चाहिए अच्छा चले हम लोग आपको कुछ सिचुएशन देंगे आपको बिना कोई चीज बोले उसके आपको एक्टिंग करके दिखाना है एक्सप्रेशन देना है ताकि हम मीम बनाए ठीक है बने मैं पहले पूछता हूँ मुनीब से व्हेन योर डॉक्टर आस्क्स यू विल हैव टू अवॉइड योर फूड फेवरेट फूड फॉर सम डेज मतलब डॉक्टर ने कह दिया अब आपको ऐसा मुंह बनेगा बंदे का गुड एक्सप्रेशन अच्छा एमन आप बताएं जहां आप मुनीब को पूरी स्टोरी सुना देते हैं और एंड में वो कहते हैं कि मैंने तो सुना ही नहीं या वो उन्होंने कुछ दिस इज अ मैच एक मैच में वो अंकल थे ना जो यूं खड़े थे हां आई स्टैंड लाइक दैट हां वो अंकल मुनीब आपके लिए जब आप घर में एंटर हो और याद आए कि आप एमन का कोई काम भूल गए कोई काम भूल गया हां तो मैं क्या बनूंगा इट्स अ यूजुअल फेस लाइक मुनीब नॉर्मल के बट ही विल गो वो रूटीन है फिर मीम नहीं जिसमें ड्वेन जॉनसन यूं गाड़ी में पीछे पलट के देखता है यूं वही मेरा फेस बनेगा पीछे तो ये रूटीन का काम है फिर हां नहीं पुनीत थोड़ा सा भुलक्कड़ आई एम सॉरी बट यू आर चले कोई बात नहीं ओके मुनीब व्हेन योर किड थ्रोस अ टेंट्रम एंड योर पेरेंट्स से शी इज ऑन यू तोड़े दे ही गया प्राउड तो मैं यूं क्या बोलूंगा मैं यूं हो जाऊंगा टू द ब्लंट फेस और वैसे होता है ऐसा Flat expressions. वैसे ऐसा होता है? जाहिर सी बात है लेकिन अभी तक तो बच्ची हमारी बहुत छोटी है जो तीन अभी साल तक ऐसा की कुछ तीन साल की टेंट्रम हमारा चार साल का तो बड़े टेंट्रम देता है शायद एक साल बाद हम देखें तो आपके नेक्स्ट सीजन में बताएंगे बहुत टेंट्रम देता है अच्छा व्हेन यू वांट टू फिट इनटू एन ओल्ड ड्रेस बट यू आर नॉट एबल टू ओल्ड ड्रेस यस मतलब लाइक हां अच्छा नहीं नहीं हो ही नहीं है क्वेश्चन उन्होंने किया है यू आर फैट आई एम नॉट फैट ओ गॉड मजाक कर रहे हैं प्लीज गाइस डोंट टेक इट सीरियसली ओके देन आई विल जस्ट आई विल ट्राई टू पुल माय क्लोथ्स एंड देन आई विल द मिर्ज़ा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई में अब टाइम हुआ है हमारे अगले सेगमेंट यादों की बारात का
लखनऊ हिला थोड़ा ठुमके बखा मुल्तान अड़िए नी तेरी जान। नहीं ये दूसरा गाना आ गया। ये लिरिक्स में मिक्स कर रहा हूं यार, मेरी पंजाबी थोड़ी कराची वाली है ना, गुलाबी पंजाबी है ना, गोलगप्पा फट गया वो वाली है। द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई में अब वक्त हो गया है यादों की बारात का। म्यूजिक क्योंकि हमारे लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस या यादें बताएंगे, आप उनके साथ हमें बता दें कि कौन सा गाना उसके साथ आपका जुड़ता है आपके आपके लाइफ में। ठीक है, ओके मुनीब, आपके लिए अ सॉन्ग दैट कैन बी द बैकग्राउंड सॉन्ग ऑफ योर लाइफ, जो हमेशा चल रहा हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उले उले। ये भी डालो। उले उले उ। ये तो आई थिंक हम सबका बैकग्राउंड सॉन्ग हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं एक गाना जो आपका मूड अपलिफ्ट करता है। फिलहाल तो वही है, जगा देता है। यस नहीं नहीं सारे मेरी बेटी को जगा सकता है। आई थिंक आई लाइक एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। सब खामोश हो जाओ, गाने दो। बोल रहा हूं मैं खिल जाएंगे, हमने सोचा ना था। वेरी गुड मोमेंट आ गया इस पे ना। चलो भाई प्रोमो शॉट तो आ गया। मुनीब एक और गिफ्ट बनता है। अच्छा गाया ना। हां बहुत अच्छा गाया। A classic song that you wish was picturized on you. A classic song. It should be classic. हाँ। फिल्मी तो आप बहुत। फिल्में भी की। Classic song कौन सा हो सकता है? मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना। नहीं लेकिन अभी भी आप गाते हैं बाथरूम में, क्योंकि आप मोस्टली तो चेंज हो गए ना, फोन आ गया, आप फोन लेके जाते हैं। सुनते हैं यार, बहुत कम लोगों को पता है ये बात, मैं हेडलाइंस वॉशरूम में सुनता हूँ रोज, पता है आपके बात जितनी भी जो वो भी ऐसे देख रही है कि मुझे भी ये बात नहीं पता थी। मैं सोच रही थी शावर लेते वक्त बोल दो, नहीं तो शावर लेते हुए या वॉशरूम में हमारे हमारे शावर लेते हुए न्यूज़ हेडलाइंस हमारे हां जो पाकिस्तान और उसके मजा बाथरूम में सुन सकते हैं। मैं तो कह रही हूं हां बंदा बिना बाथरूम पकड़ लो। अगली बात मैं समझ गया, अगली बात आप समझ गए, अगली बात मैं समझ गया। हुई हुई बैठ जाओ इधर हुई। और इतने में यू आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऐसा कौन सा गाना था जो आप दोनों ने सबसे ज्यादा सुना और उस पे डांस किया अपनी शादी के टाइम पे? मुझे लग रहा है मेरी शादी पे मेरे अलावा पूरा पाकिस्तान नाचा था। हां बिल्कुल नाचा था, मैं भी कहने ही लगी थी। एक दो दो तारा तारा रंगीला तारा मैं पता नहीं आ गया था। चार साल हो गए उस गाने को। सारी रात तेरे मैंने कहीं से भी कनेक्ट कर देंगे अपनी स्टोरी। नहीं नहीं हमारी हमारी शादी में तो चलता है ओ तारा रारा। हमारी शादी पे बहुत सारे गाने चल रहे थे, बट उस टाइम फोकस किसी और चीज पे था। फोकस तस्वीरों पे था, कपड़ों पे था, मेकअप पे था। मुझे याद है हमारी हमने जो एक सॉन्ग साथ सुना है वो जो है क्या नाम है उस गाने का, द कलर ऑफ माय, ये वो लव मी लाइक यू डू, इट वाज आवर फेवरेट सॉन्ग। ये हमने बहुत सुना है लव स्टार्टिंग में, ये बहुत सुना है। अब मुझे लगता है अब जब आता है तो हटाओ यार, जहर लगता है गाना। प्लीज हटाओ यार, ये स्टार्टिंग में अब जहर है गाना। बहुत सुन लिया गाना। मुनीब आपके लिए अ सॉन्ग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ योर चाइल्डहुड। बचपन बचपन नहीं 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 बताता हूं, आजा नहीं बैठ जा साइकिल पे आजा। ये गाना जब चला था ब्रार उलक का कॉन्सर्ट हो रहा था कराची में और मैं 5-6 साल का था और मैंने ताया का हाथ छुड़ा के मैं स्टेज पे खड़े होके मैंने डांस किया था, आजा नहीं बैठ जा साइकिल। दिल मेरा बोले घड़ी घड़ी तू मिलती जानी है, दुनिया सारी मैं क्या आखो पता नहीं क्या।
लखनऊ हिला थोड़ा ठुमके वखा मुल्तान अड़िए नी तेरी जान नहीं ये दूसरा गाना आ गया ये लिरिक्स में मिक्स कर रहा हूं यार मेरी पंजाबी थोड़ी कराची वाली है ना गुलाबी पंजाबी है ना गोलगप्पा फट गया वो वाली है चले आपके Spotify लिस्ट में तीन कोई ऐसे क्लासिक गाने जो हमेशा आपके लिस्ट में होते हैं आई लाइक आज दिल दुखा है from Atif Aslam I really like it जरा थोड़ा सा आज दिल दुखा है तुम याद आए but I don't know I'm very bad singer slow that's songs, okay we slow are all songs. Our bad two Iske more please two more slow songs we don't like slow songs वाले सुना है तेरी अखियों से that's a very nice song slow song बहती है नींदें और रिकॉर्ड अटक गया मेरे सपने तुम्हें भी नहीं पता होगा मैं इतना अच्छा गाना गाती हूं slow song third one नच पंजाब पर ये जरा स्टार्टिंग तो बताएं यार कॉमन ये तो एक कॉमन नहीं है इट्स अ फेमस सॉन्ग थोड़ा अच्छा स्लो सॉन्ग या कॉमन सॉन्ग नच पंजाब पर नच पंजाब आई लाइक इट यार इसके बगैर तो पाकिस्तान में शादी नहीं होती इस गाने के बगैर इसी तरह आप सारे ये सारे वाले सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं Spotify पे डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड इट वैसे ही फ्री है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ विच इज रैपिड फायर चूड़ी खनकने लगी ये कौन सा गाना था भाई है, ये है, चूड़ी कैसी खन गई चूड़ी खनकने लगी पायल छनकने लगी ओ सजना सवरने लगे अच्छा हो गया ये मेरे ख्याल से अभी कंपोज कर रहे हैं यार रहमान साहब अभी बैठे हुए ही हैं Welcome back to the Mirza Malik Show powered by Spotify. अब हम खेलने जा रहे हैं Rapid Fire, जिसमें आप लोगों को बहुत ही rapid रहना पड़ेगा और आप सोच के जवाब नहीं दे सकती जो first मन में आएगा आप वो जवाब देंगी चाहे इस पे controversy भी क्यों ना बने ठीक है लेकिन उससे पहले मुझे एक question आपसे अच्छा आपने इतने सारे हमारे पाकिस्तानी artists के साथ भी show किया है आपको कैसा लगा मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगा अलग अलग एक्सपीरियंस था कुछ कुछ को मैं पहले से जानती थी तो उनके साथ ऑब्वियसली थोड़ी सी केमिस्ट्री अलग थी और जिनसे मैं पहली बार मिली हूँ दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल जस्ट लाइक यू गाइस हु वाज योर फेवरेट आई विल लेट यू नो व्हेन वी स्टॉप रोलिंग अच्छा आर यू गाइस रेडी वी विल गो वन बाय वन आई विल गो वन ओके आई विल गो वन एंड ही विल गो वन ठीक है एमन कंप्लीट द लिरिक्स सोना ना चांदी ना डैश जाने मन तुझ को डैश सिकूंगा सोना ना चांदी ना डायमंड का घर डायमंड का घर यू आर वेरी क्लोज आलू ले लो मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा ना कोई महल जाने मन तुझ को दे सकूंगा वेल डन पाकिस्तान की पहली ग्रैमी विनर सिंगर का नाम बताएं यार ये क्या बात है सोना ना चांदी और मेरा ये बस ये नूरजहां मैडम नूरजहां इतनी बड़ी न्यूज़ है ये देखो उन्होंने बता भी दिया आपने बताया कि आप बाथरूम में बैठ के हेडलाइन सुन रहे होते हैं ये हेडलाइन में आई थी आई थी बिल्कुल रूज आफ्ताब यार शी इज अमेजिंग यार वेल डन सॉरी बट वेरी वेल डन एमन आपको पॉइंट्स मिलेंगे ये नेम एनी फेमस सॉन्ग ऑफ राहत फतेह अली खान जल्दी 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 या आफरीन आफरीन यू आर हेल्पिंग हर वेल डन मैं तो नहीं मैंने कुछ बोला नहीं नहीं बस ऐसे ही है मैं तो वैसे ही चले मुनीब आपके लिए आलमगीर का गाना है मैंने तुम्हारे घर से कभी पानी पिया था घाघर मैंने तुम्हारे घाघर से कभी पानी पिया था घाघर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद थैंक यू सो मच नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एमन एक सेकंड उससे पहले आपने गाने गा लिए अब ये मत पूछिएगा आलमगीर भाई के दिमाग में उस पर क्या चल रहा है इसी गाने को इसी गाने को आपने या पंजाबी में या सिंधी में या बलोची में या अमेरिकन में किसी भी एक्सेंट में सुनाना है क्या होता है पंजाबी में घाघर पानी प्यासी मैं बहुत ही प्यासा बैठा था ये तो सराय की टाइप कुछ चला गया ये राजन ये बेसिकली रहीम यार खान और मुल्तान क्रॉस करते ही ये लाइन सुनाए लेकिन सही से सुनाए
एक लाइन सुनाएं किसी भी रीजनल लैंग्वेज में. मैंने तो आडे कागर तो कभी पानी पिया सी की भी थोड़ी सी टच है ना. वेल डन एमन. रैंक द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ योर लाइकिंग. मिनाल खान, इकरा अजीज, किंजा हाशमी, रमशा खान. इकरा वन एंड मिनाल, किंजा, रमशा. वेल डन मुनीब. आतिफ असलम का कोई भी गाना सुनाए. कोई भी जल्दी लेकिन जल्दी. जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा हो के भी. क्या बात है. वेल डन. मैं जितना ओए अच्छा यार आपने स्टॉप नहीं. नहीं हां हां गाते बस. अच्छा पिक एनी वन एक्टर यू वांट टू वर्क विद. फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, इमरान अब्बास. सब बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, बट फवाद खान एक पिक करना है. अच्छा फवाद खान. फवाद खान इज लाइक माय फॉरएवर फेवरेट. मुझसे पूछा नहीं गया बट मी टू यू नो वी आर ऑल लव फवाद. हमसे भी पूछे हमारा कौन सा कोई बनो. हमारे कौन सा हमारा खुद भाई. मुनीप डेडिकेट अ सॉन्ग टू द फॉलोइंग. हिनाल ताफ, मिनाल खान, यासिर हुसैन. यस चूज यासिर wisely. वन बाय वन करेंगे. पहले है हिना अल्ताफ के लिए. जा तुझे माफ किया दिल को. कोई स्टोरी है. अच्छा आ गया. इसके पीछे कोई स्टोरी है जी. इसके पीछे कोई स्टोरी है माफ करने की. कोई स्टोरी छोटी सी स्टोरी है ऐसी बस सोशल मीडिया पे. मिनाल खान हाँ. दुल्हन की सालियों हरे दुपट्टे वालियों पैसे ले लो जूते दे दो. यार कैसा आपके साथ हुई थी ये रस्म जी. धक्का दे घुस गया था. कितने पैसे गए थे. नहीं गए. मैंने पता क्या किया बता. मैंने ना 100-100 रुपए की गड्डियां लेके रखी हुई थी बहुत सारी.50,000 यार मेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मंगदानी नन. कैसा जबरदस्त. ऐसे तीन गाने जिनमें चूड़ी का मेंशन है. चूड़ी खनकने लगी. ये कौन सा गाना था भाई. चूड़ी खनकने लगी, पायल छनकने लगी, ओ सजना सवरने लगे. अच्छा हो ये मेरे ख्याल से अभी कंपोज कर रहे हैं यार रहमान साहब. अभी बैठे हुए ही हैं. अरे है अभी उन्होंने सुना और अब वो करेंगे. आपको याद नहीं है इनके बाप के बाल थे. वो बहुत अच्छी सिंगर है. मैंने बहुत डांस किया इस गाने पे इसलिए मुझे याद. पता नहीं मैंने तो कभी बोली चूड़ियां. यस ऐसा तो मैं भी बहुत सारे गाने बजा लूं. सही बोल रही हूं ना. चूड़ी है खनकाई जब तू आया ना. तुमने हेल्प की बट आई डिडंट आस्क बट थैंक यू. चूड़ी और तीसरा गाना कौन सा. चूड़ी तो नहीं आई. चूड़ियां आई है इधर से पूरी. वेल डन. आई थिंक कोई बात नहीं है. उस सोफे पे बैठ नहीं मैं. ये भी तो चीटिंग कर रहे हैं ना दोनों. हां एग्जैक्टली. आपने कहा वो जीत रहे हैं उधर बैठे. चले कोई दो सॉन्ग्स जिनमें क्लाउड्स का मेंशन है. मुनीब आप बताएं. मुझसे घनन घनन घन घन घनन गिर गिर आए बदरा घन घन गोर जार जाए बदरा पाने मेघा हारे मेघा पानी तो बरसाओ. लगान का एक आ गया. कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें. गीत माला है. ये सिर्फ हमारा वार्म अप मैच था. हमारा फाइनल मैच होगा इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट. देखते रहिए जाना नहीं. आपने कभी अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं घुमाया. बहुत घुमाया. आप कभी किसी को झूठी तारीफ नहीं करते. बहुत दफा करते. आपने कभी किसी ड्रामे में कास्ट चेंज नहीं करवाई. करवाई है. मैं भी कंफ्यूज करूंगी ना. ओके करवाई है.
आर गोइंग टू प्ले आवर फाइनल मैच। इस फाइनल मैच में आपके दोनों स्किल्स टेस्ट होंगे, फिजिकल स्किल्स और मेंटल स्किल्स। पहले हम इमन के साथ स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लेडीज फर्स्ट आपने कहा था। एंड यू विल जस्ट कीप थ्रोइंग द बॉल टू शोएब, और मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। नॉट जस्ट थ्रोइंग द बॉल एंड कैचिंग इट आल्सो, या लेकिन आपको सही जवाब भी देने और इस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, एंड यू कैन नॉट ड्रॉप द बॉल। ठीक है? हां, वो भी काउंट होगा। एंड यू कैन नॉट हिट मी विद द बॉल आल्सो, ओके, इन द प्रोसेस। चले फर्स्ट आपके विकेट कीपर, ये चले शुरू करें। हां चले, डोंट वरी, ट्राई करो, मैं सेफ कर लूंगा। चले 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 शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा एमन, आपने मुनीब, आपने कभी मुनीब से कुछ नहीं छुपाया? नहीं, क्वेश्चन मार्क। आपने कभी मुनीब से बिला वजह लड़ाई नहीं की? बिल्कुल किया। आपने कभी सेट पर स्टार टैंट्रम नहीं दिखाए? ट्रू नहीं दिखाया। अच्छा, नेवर। अच्छा, तीन चीजें जिनके बगैर आप नहीं रह सकती? फोन, अमल एंड शॉपिंग। शॉपिंग मुनीब का नाम नहीं लिया। हाँ हाँ, ये बात नहीं। तीन ऐसे कंट्रीज जिसके नाम ए से शुरू होते हैं। अच्छा, बॉल आपने रोकनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। अर्जेंटीना। यस, वेल डन। अज़रबैजान। प्रेशर बहुत हो गया है, आपके सवाल इसके साथ खत्म होते हैं। ना आप नॉट बैड, मैंने एक ही दफा फेंक दिया। मुनीब, आप रेडी हैं? रेडी रेडी, प्लीज शुरू हो जाएं। आपने कभी अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं घुमाया? बहुत घुमाया। आप कभी किसी को झूठी तारीफ नहीं करते? बहुत दफा करते हैं। आपने कभी किसी ड्रामे में कास्ट चेंज नहीं करवाई? करवाई है। मैं भी कंफ्यूज करूंगी ना। ओके, करवाई है। पी से शुरू होने वाले कोई तीन लड़कियों के नाम? परिशे, पलवशा, परिदा। ये तो आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपने। परिदा ड्रामे का नाम। और परी। कोई तीन ऐसे काम जो रात में होते हैं? हैं? तीन कोई ऐसे काम जो रात में होते हैं? तीन जो ऐसे काम जो रात में होते हैं, नाइट मैच। अच्छा, नाइट मैच नहीं, नहीं, सहरी रात में होती है सुबह निकलने से पहले, और इफ्तारी रात में होती है। इफ्तारी वो भी रात में होती है। ये मैंने, ये बहुत बार मुझे दे कोई जी। इशा, इशा भूल गए, बस ये तहज्जुद भूल गए। बताए बताए। और यार कुछ क्या यार, आप खेलते रहे खेलते रहे। बताए बताए नेक्स्ट। कोई तीन ऐसी चीजें जो सर पे पहनते हैं? जो सर पे पहनते हैं, टोपी पहनाते हैं और पगड़ी। हाँ, और ये लड़कियां जो पहनती हैं, क्या होती है वो, क्या विग भी? हाँ, विग माल वो भी होती है अपना। लड़के भी पहनते हैं। लड़कियां क्या? लड़के भी पहनते हैं। मुझे ऐसे बात लग रहा है यहाँ पे भी आएगी। हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए। आई होप कि आप लोग को मजा आया। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया, वाकई ऐसा नहीं लगा कि हम आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आई एम श्योर आपको भी नहीं लगा। हमें तो फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा, इनसे पूछते हैं। हां, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। कैसा लगा? बहुत शौक था मुझे। अच्छा, एंड आई रियली लाइक्ड इट। बहुत एंजॉय किया, वाकई मजा आया। आप लोगों ने हमें तो ऐसे लगा, यही बात हो रही थी बैक स्टेज, बहुत फन होने वाला है। हाँ, आप फिक्र ही ना करो, और वो ही हुआ। इसी तरह फन देखते रहिए द मिर्जा मलिक शो में, पावर्ड बाय स्पॉटिफाई। आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय। और इसीलिए हम इनवाइट करना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट को, मिस्टर मुनीब बट भूल गई। हम ऐसे ही गेस्ट आए जिसको गाना इतना पसंद है और सारे गाने याद है। मैं आपको आधे का आधा याद हो गए। ये तो गलत बात है, हमें भी झुमाओ। You are taking the link, right? Yes, please, and then you'll take over. Okay. And then you'll do rest of the show. Okay. Okay. Then you give me your money also. Yeah, please take it. That's the deal. Either husband way, it's gonna go to you. No problem. मेरे मत्थे पे चिपका दो। साली पे कुछ गलत कर रहे थे तुम। इसने करके चुप हो गया। Rapid fire है ये? साली ही पे। हम ना बराबर के credit लेने वालों में से हैं। लग एक दूसरे से पीछे नहीं रहते। जितने पॉइंट्स इनको मिलेंगे उतने ही मुझे मिलेंगे।
चलो तुम गा लो। मेरे साथ एक छोटा बेबी आया ना पिंकी पास। नहीं किया और गाना गाना शुरू कर दिया। क्या ये तजाद में लोग दुबई आए हैं? आपने टैप नहीं किया, ये चीटिंग है। अच्छा अच्छा खड़े हो जाओ। ही थिंक्स एवरीथिंग इज स्लो। स्लो सॉन्ग, स्लो सॉन्ग। जबरदस्त। फिर बाद में ना तुम अब उर्दू गाने भी सुना करो।